आज हम एक और नाश्ता बनाने वाले हैं जो कि है बटर क्रंची चकली बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले राइस फ्लोर लिया है, यानी कि जो चावल का आटा होता है वो लिया है। 4 कप हम चावल का आटा लेंगे और इसे छान के ऐड करेंगे। छानने से क्या होता है, इसके अंदर जो गुठलियाँ होती है ना वो सारी ऊपर रह जाती है, तो अंदर आटा गूंथते टाइम है ना इसके अंदर गुठलियाँ नहीं रह जाएगी। और फिर हमने यहाँ पे 1/2 कप जैसा लिया है मैदा, और इसके अंदर ऐड करेंगे अब 2 चम्मच जितने हम तिल ऐड करने वाले हैं, यानी कि जो सेसमे सीड्स होते हैं वो ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने यहाँ पे जीरा लिया है और जीरे को अच्छे से हाथ के बीच में मसल के फिर ऐड करना है। और फिर इसके अंदर 2 चुटकी यानी कि 1 टेबल स्पून जितना हम हींग ऐड कर रहे हैं, और 1 चम्मच जितना भर के हम इसके अंदर अदरक ऐड करेंगे। अदरक को हमने ग्रेट कर लिया है तो आप भी ग्रेट करके ऐड कीजिएगा। अदरक इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है, ज़रूर डालेगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। और हमने यहाँ पे 3 चम्मच जितना ऐड किया है मिर्ची की पेस्ट, और अब 2 बड़े बड़े चम्मच हम ऐड करेंगे इसके अंदर बटर, क्योंकि हम बनाने वाले हैं बटर चकली, तो बटर तो नेसेसरी है। और फिर इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अब इन सबको ना अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। बटर हमारा है ना ज़्यादा फ्रीज नहीं है, और हमने रूम टेम्परेचर पे था ना वही बटर ऐड किया है, इसलिए अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। और फिर इसके अंदर हमें दही ऐड करना है, तो दही का मार्केट में जो एक बोल आता है ना वही पूरा दही ऐड कर दिया है हमने। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसका पानी से हमें आटा गूंथना है। तो ज़्यादा हम इसका आटा जो है वो ढीला नहीं करेंगे, इस तरह से हम सॉफ्ट रखेंगे। और आप देख सकते हो कितना सुंदर आटा हमारा एकदम रुई जैसा आटा बनके रेडी हो चुका है, ये देखिए है ना इतना मस्त। और इस तरह से ये पिंच हो जाएगा, इस तरह से आटा गूंथ लीजिएगा आप। अब हम एक पैन में ऑयल भी गर्म होने के लिए डाल देंगे, और ये चकली बनाने का जो मशीन होता है वो भी हमने रेडी कर दिया है। इसके अंदर जो 1 स्टार वाली सिप होती है ना प्लेट, वही ऐड करनी है, और इसी से चकली हम बनाएंगे। तो 2.5 राउंड हमें पूरे इसके बनाने हैं चकली के। आप भी जब भी बनाइए तो ये वाला जो फॉर्मूला है 2.5 राउंड का वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सारी एक जैसी चकली बनेंगी तो बहुत ही अच्छी लगेगी। ये देखिए हमारी चकली इस तरह से बन चुकी है, और ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई कर वक्त आराम से डालिएगा, क्योंकि फिर ऑयल हमारे ऊपर भी उड़ता है। तो अब इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, एकदम ब्राउन कलर की नहीं कर देनी है हमारी चकली को। हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये हल्की सी पिंकिश कलर की हो जाए ना, तब तक फ्राई करनी है। ज़्यादा हम इसको गोल्डन कलर भी नहीं आने देंगे। तो ये देखिए हमारी जो चकली है वो फ्राई हो चुकी है, उसे हम निकाल लेंगे। और ध्यान रखिएगा कि आप नीचे एक पार्चमेंट पेपर रख दें जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सारा निकल जाए। और बस दूसरी चकलियाँ भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे और फिर फ्राई कर देंगे। तो बटर चकली में ना इसके अंदर मोइन बहुत ही अच्छे से गिरना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, वरना फिर ये चकली जो है ना अच्छे से बन नहीं पाती है। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि आप एकदम नाप अनुसार मोइन इसके अंदर डालिए। और हम साथ में मैं भी यहाँ पे मम्मी को चकली बनाने में मदद कर रही हूँ, तो 2 लोग होते हैं ना तो जल्दी से जल्दी बन जाता है सारा नाश्ता। तो ये देखिए ये हमारा नाश्ता हो चुका है, यानी कि हमारी चकली जो है वो बन चुकी है बटर चकली। आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और इसका क्रंचीनेस आप देख सकते हो, बहुत ही क्रंची हमारी चकली बन के रेडी हुई है। आप आवाज़ सुन सकते हैं इसकी, और हम इसे स्टोर कर देंगे। तो आप इसे 15-20 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी नई नई सी रेसिपीज़ हर रोज़ मिलती रहे। और हमारे साथ बने रहिएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।